सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, मैंने ये वॉल हैंगिंग प्लांटर्स कुछ ऑनलाइन मैंने बुलाए थे और कल ही मैंने इनको एक सॉइललेस मीडियम में मैंने लगाया है। सॉइललेस मीडियम में इसलिए लगाया है क्योंकि एक तो ये हैंगिंग है, दूसरा इन पे वेट ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ये पर्लाइट है, कोकोपीट है और इसमें मैंने थोड़ी सी नीम की खली, जाइम फर्टिलाइज़र और मैंने अपने घर का बना हुआ कॉम्पोस्ट लगाया है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये फाइलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम है। इसकी लीव जो है ये थोड़ी सी अभी इसमें डस्ट चढ़ गई है, बहुत अच्छी ब्राउन कलर की इसमें लीव्स होती हैं और ये एक क्लाइंबर जैसा एक प्लांट होता है। अब इसका जो मुझे नाम नहीं पता, ये जो प्लांट है, यदि आप लोगों को किसी को पता होगा तो आप बताइएगा। और मैंने इसे कल ही रीप्लांट किया है। एक ये मेरे पास में ये प्रेयर प्लांट है और इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी लीव्स में होती है, ये बेल की तरह बढ़ता है और ये एक टोटली शेड लविंग प्लांट है। तो मैंने ये अपने प्लांटर्स में जो आप देख रहे हैं स्टेयर्स में लगाए हुए हैं और ये सारे इस तरीके के प्लांट्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी आप जानते हैं कि रोशनी में होने वाले प्लांट्स जो हैं वो यहाँ नहीं लग सकते, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत कम आती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ये भी फाइलोडेंड्रॉन वैरायटी का एक प्लांट है, मनी प्लांट की तरह बढ़ता है। और ये मैंने दो एंथूरियम लगा के रखे हैं। मेरे एंथूरियम जो हैं गर्मियों में थोड़े से नाजुक हो गए थे, तो अभी मैंने इनको आप देख रहे होंगे ये रिपॉट किया हुआ है मैंने और सेम ऐसे ही, तो इसमें तो ठीक चल रहे हैं। और ये मेरा रबर प्लांट है, ये देखिए, कल ही मैंने इसमें पानी स्प्रे किया था, थोड़ा सा डस्ट बहुत ज़्यादा आ गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये इंग्लिश आईवी का प्लांट है ये इसके, और इस बार मुझे ये मिल गया तो मैं लेकर आई हूँ। उसको धूप की रोशनी की ज़रूरत इसे पड़ती है बढ़ने के लिए, यदि इसमें रोशनी ना मिले तो ये इसका ये वेरीगेटेड जो ये है ये ख़त्म हो जाता है और इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। और ये जो है ये मेरा गोल्डन पोथोस है, आप देख रहे हैं इसकी कटिंग मैंने करके लगाई हुई है। और यहाँ पर भी मैंने कुछ अपने प्लांटर्स से लगाए हुए हैं, प्लांट्स मैं इनमें लगाऊंगी बाद में। अब मैं अपने टेरेस पे आ गई हूँ और ये देखिए, ये प्राइड ऑफ इंडिया प्लांट है और ये इसकी सीड पॉट्स हैं, तो ये बहुत अच्छा हो गया, लग गया है मेरा, करीबन मेरे ख्याल से हो गया इसे 10 दिन मुझे लगाए हुए। और ये बॉटल ब्रश भी लग गया है। फिर ये देखिए, मैंने हिबिस्कस को लगाया था, ये भी लग गया है। और ये कैमेलिया भी मैंने लगाया था, मैं रोज़ आकर वॉच करती हूँ कि इसकी बर्ड्स मुझे हमेशा थोड़ी सी ग्रोथ पे दिखती हैं। तो ये देखिए, यहाँ से एक ये निकल रही है, पता नहीं ये फूलों की कली है या फिर ये पत्ती है, अभी पता चलेगा। वैसे तो ऐसा लग रहा है फूल जैसा, ये देखिए इसमें भी एक बड़ी सी कली है, ये देखिए एक बड़ी सी कली ये है, एक ये है, ये दिख रही होगी आपको। और मैं आपको अपने एक प्लांट से एक देखिए, ये इंसेक्ट आप देख रहे हैं ये येलो कलर का, ये मिली बग है, ये लेडी बग है। और लेडी बग का काम होता है कि ये एफिड्स को खा जाती, कभी भी आपको अपने गार्डन पे इस तरीके की लेडी बग दिखे तो उसे कभी परेशान मत कीजिए, वो आपकी फ्रेंड होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसको गोल्डन पांडा प्लांट बोलते हैं। और कई बार से मैंने जब अपने व्यूअर्स से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था, किसी ने बोला फर्स्ट लव, और जब मैंने सर्च किया तो मुझे इसका नाम आया लव एट फर्स्ट साइट।
तो बेसिकली ये जो प्लांट है ये टेम्परेट रीजन का प्लांट होता है, जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। बेसिकली इसके इसका साइंटिफिक नाम मैं आपको ढूंढ कर बताऊँगी, इसका साइंटिफिक नाम मुझे पता नहीं है अभी। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, वैसे तो इसमें फ्लावर्स भी होते हैं, मैं जब लेकर आई थी तब इसमें रेड कलर का फ्लावर था। इसमें तीन कलर के फ्लावर्स होते हैं, एक लेमन येलो, येलो गोल्डन येलो और एक रेड। तो मेरे पास जो वैरायटी है ये रेड है, और ये जंगलों में होने वाला एक प्लांट है। लेकिन मुझे नर्सरी में अच्छा दिखा, इसकी फॉलियर आप देख लीजिए कितनी सुंदर है। तो फ्लावर्स के अलावा इसको इसके फॉलियर के लिए भी लगाया जाता है, और हमारे बगीचे में इस तरीके के पौधे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी गार्डनर्स होते हैं सारे नेचर लवर होते हैं। तो नेचर लवर जो है अपने गार्डन में हर तरीके के वो प्लांट जो उसके गार्डन में सस्टेन हो जाए वो सभी वो लगाना पसंद करता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी रख रखाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी मिट्टी में हो जाने वाला प्लांट है, लेकिन मैंने अपने घर में वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में इसे लगा रखा है। और इसमें आप देख रहे होंगे परलाइट, कुछ परलाइट भी आपको दिख रहा होगा, कुछ कोकोनट हस्क भी आपको दिख रहा होगा इसमें। और मैंने कोकोपीट और कॉम्पोस्ट मिलाकर फिर इसकी मिट्टी तैयार की है। अब सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल होनी चाहिए। अब आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल। यदि आपके यहाँ सैंडी सॉइल है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, ये हर प्रकार के उसमें हो जाता। दूसरा, ये ड्रॉट टॉलरेंट होता है, मतलब यदि आप इसको बहुत लंबे समय तक पानी ना भी दें तो भी ये चल जाएगा। अब जब हम इसकी बात करते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट की बात करते हैं, तो देखिए यदि आपकी पॉटिंग सॉइल में कॉम्पोस्ट मिला हुआ है, आपके घर का बना हुआ कॉम्पोस्ट मिला हुआ है, कुछ कोकोनट हस्क आपने मिला के रखी, तो क्या रहता है वो, और परलाइट या वर्मिकुलाइट इस तरह की चीज़ें आपने मिलाई हैं, तो इनका काम ये होता है कि ये पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब करके रखते हैं और न्यूट्रिएंट्स, और जब पौधे को ज़रूरत होती है तब वो उसको रिलीज़ करते हैं। अब यदि आप काली मिट्टी या रेतीली मिट्टी में इसे लगाते हैं, तो आप पानी का विशेष ध्यान रखिए कि आपका प्लांट जो है वो सूखे ना पानी की कमी से। और इसमें जो है साल में कभी भी फूल आ जाते, इसका कोई सीज़न नहीं है, जब इसकी इच्छा होगी फूल देगा, और नहीं तो इसमें ऐसी रंग बिरंगी पत्ती आपको लगे मिलेंगी। अब क्योंकि मैंने इसे अपने घर में लगाया, फर्स्ट टाइम ही लगाया है, तो इनको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए तेज़ धूप जैसे ही मौसम बदलता है इस तरीके से ये पत्तियाँ जो हैं जलने लगती, कई बार पानी ज़्यादा होने से भी जल जाती हैं। खूब पानी पड़ेगा तब भी आप देखेंगे कि आपकी पत्तियाँ जो है इस तरीके की ब्राउन हो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, ये हार्डी प्लांट्स होते हैं, इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा चींटियाँ चल रही हैं, तो आप थोड़ा सा नीम का ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसमें, या फिर इंसेक्टिसाइडल सॉल्यूशन, या फिर आज के समय में मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक स्प्रे मेडिसिन्स भी आने लगी, इंसेक्टिसाइड्स भी आने लगी। और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है बायोजाइम के बारे में कि उसको घर पे किस तरीके से बनाए, तो वो जब हम रेगुलर बेसिस पे स्प्रे करने लगते हैं तो उससे भी कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह नहीं लगती हैं। तो वो बेस्ट है आपके प्लांट्स के लिए भी, रूट्स के लिए भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्लांट की रूट्स में हार्मोन्स बनाते हैं, जिससे जो संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में वो बहुत अच्छी होती है, और उनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक बहुत अच्छा होता है। और ये जो है हार्डी प्लांट्स, इनको बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। और अभी मैंने छोटे पॉट में लगा रखा है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ ये है कि जब आपका प्लांट जो है रूट बाउंड हो जाए पूरी तरीके से, तब आप उसका पॉट चेंज कीजिए, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग भी ऐसे प्लांट्स अपने घर में लगाएंगे और अपने बगीचे में वैरायटी थोड़ी सी लेकर आएंगे, अपने बगीचे को थोड़ा सा वर्सेटाइल बनाएंगे, और इनकी खुशबू से तितलियाँ और हमिंग बर्ड्स हमारे गार्डन में बहुत बहुत आती हैं, जो कि बहुत कहना चाहिए पौधों के लिए
बहुत अच्छी होती हैं तितलियाँ। वातावरण को भी शुद्ध जहाँ होता है वहाँ पर तितलियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। अब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपने ये नहीं बताया कि इसको लगाया कैसे जाता है। तो देखिए, ये बड़े प्लांट्स जो हैं आप देख रहे होंगे, ये कटिंग के माध्यम से लगे प्लांट हैं। ये एक ऐसी राइप जो आप देख रहे हैं, इस तरीके की राइप कटिंग ले लीजिए। या यदि आपके पास में है, किसी फ्रेंड के पास में है, तो उसकी 6 से 8 इंच की कटिंग आप ले लीजिए और उसे सिर्फ सैंड में लगाइए, प्योर सैंड में। और यदि कोकोपीट है तो उसमें लगा लीजिए सैंड में लगा के, और आप शेड में उसको शिफ्ट कर दीजिए, रख दीजिए कम से कम 5 से 8 दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। कुछ जो प्लांट्स हैं उनको 4 हफ्ते लगते रूटिंग के लिए, कुछ को ज़्यादा 2 महीने तक लग जाते हैं। तो उसको लगा के और आप छोड़ दीजिए। पानी बस इतना ध्यान रखिए कि सैंड जो एकदम ड्राई ना हो पाए, हल्की सी नमी मेंटेन रहेगी तो आपकी रूट फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी। तो फिर इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। जब भी इसमें फ्लावर्स आएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।